नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र के न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से भोजपुरी अभिनेता सह गायक पवन सिंह का चुनाव लड़ने से मना करने पर अब भाजपा का सोशल मीडिया पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को उतारने का चर्चा जोरों पर है। हालांकि अक्षरा सिंह ने चुनाव लड़ने से कुछ भी बोलने से इनकार किया है। अब समाचार विस्तार से। न्यूज को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को टिकट दिया था, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बीजेपी इस सीट पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं जब अक्षरा सिंह से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर हाथ जोड़कर वहां से निकल गई। सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच अक्षरा सिंह मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर धाम पहुंची थी। यहां पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या बीजेपी आपको आसनसोल सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया, बल्कि वह हाथ जोड़कर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बीजेपी आसनसोल से पवन सिंह की जगह अब किसी महिला उम्मीदवार को उतारने की प्लानिंग कर रही है। इसीलिए अटकलें लगाई जा रही है कि अक्षरा सिंह को ही आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारने की तैयारी हो सकती है। वही अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। वह बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा अगर पवन सिंह के साथ उनके संबंधों को छोड़ दिया जाए तो अक्षरा सिंह की छवि साफ सुथरी नज़र आती है। बता दें कि भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में आसनसोल सीट पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा नेतृत्व को धन्यवाद दे दिया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सोमवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी किया। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसे समय आने पर उसको बता दिया जाएगा। यह पूछने पर कि वह किसी सीट से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जो भी होगा मैं आपको वाकिफ इससे करा दूंगा। बहरहाल अक्षरा सिंह को लेकर जो खबर आ रही है इसको लेकर भी पुष्टि नहीं है कि वह चुनाव लड़ेगी या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलें लोगों के द्वारा लगातार लगाई जा रही है। समय आने पर ही क्लियर होगा कि भाजपा अब तक का सबसे हॉट सीट आसनसोल से किसे उम्मीदवार बनाती है।